लाभ लाभार्थी लेते हैं। आप चाहो तो उसको भी जोड़ सकते हैं कि भाई पेड़ भी लगाने होंगे आपको जब योजना को लाभ। पीछे से शॉर्ट्स लो, हम भी दे नहीं रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं ना लोग। अच्छा तो लोग, हाँ नहीं लेकिन ये एक वो हो गई ना, एक पहल हो गई ना ये। हथियार का बहुत लोगों में क्रेज है, लाइसेंस के लिए काफ़ी लोग आते थे, मैंने सोचा कि इनको प्रकृति से क्यों ना जोड़ा जाए। तो हमने ये तय किया है कि जो कोई रिन्यूअल के लिए आएगा या विरासत का लाइसेंस है या किसी प्रकार का कोई शस्त्र का लाइसेंस चाहता है तो पहले जाएगा 6-10 पेड़ लगाएगा, उसकी सेल्फी लेगा और उनको पानी देगा, उसको सुरक्षित रखेगा। तो प्रत्येक जो आवेदक है वो 10-10 पेड़ लगाता है और फोटो सेल्फी के साथ लेकर के आता है और फिर हम गुणदोष के आधार पर अगर उसको लाइसेंस दे तो उस पर विचार करते हैं। कितना जो पहल शुरू हुई है कितना रिस्पांस लोगों से मिल रहा है आपको? इसका 100% रिस्पांस है, लोग काफ़ी प्रसन्न होकर आते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो उनके पास ज़मीनें भी खूब है तो लगा के पेड़ आते हैं और इसमें लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। डॉक्टर साहब, आप आवेदन लेके आए थे लाइसेंस को लेकर, तो डीएम साहब ने क्या कहा? यही कहा था उन्होंने 10 पेड़ लगाइए उसके बाद कर देंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसी सोच है? तो अच्छी सोच है, कोई भी आदमी प्रकृति को बचाने के लिए वैसे भी सबको आगे आना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? नाम तो मेरा छोटा सा है रवींद्र, और पूरे प्रदेश और देश के लोग दादा और जोड़ दिए हो तो हो गया दादा रवींद्र। दादा एक यहाँ जिलाधिकारी कासन ने एक मुहिम शुरू की है, तो क्रेज है यहाँ पे जनपद में व्यापन का, उसको लेकर के उन्होंने 10 पेड़ लगाने की मुहिम छोड़ी। क्या मुहिम, क्या समझते हैं आप, कितनी अच्छी या ख़राब है ये? नहीं, मुहिम तो उनकी बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रेज इस ज़िले में इसलिए है कि दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग तो वो हैं कि जो अपने को शो करना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, अपना लाइसेंस बनवा लिया, दो चार और की लाइसेंस बनवा लिए और 4-5 लोगों को लेकर चले कि हाँ हैं। ये जो राजनीति का एक नया शौक है और गांव-गांव में गली गली में जो नेता उपज रहे हैं, अब पहले तो नेता ही नहीं हुआ करते थे, अब तो गली गली में नेताओं की बहुत लग चुकी है और वो डेवलप कर रहे हैं। तो एक तो वो लोग हैं जो शौक के तौर पर अपना बनवाते हैं, कुछ लोगों का बनवाते हैं और अपनी गाड़ी में बिठा ले और खुद उतरे, 2-4 उस गाड़ी में से उतरे, लगता है यहाँ कोई बड़ा नेता आया था कि जिस ऑफिसर के पास जा रहे हैं वो प्रभावित हुआ कोई बड़े नेता जी। एक तो ये हो गया, दूसरे क्या है कि कासगंज ज़िले में, मैं तो कहूँगा एटा कासगंज दोनों में, और एटा कासगंज विभाजित हो जाने से ये नहीं हुआ कि कासगंज अलग हो गया, मेरे लिए तो दोनों ज़िले मेरी आँखों की तरह हैं। तो हमारा ज़िला बहुत गरीब है